बहुत हो चुका है इसके बीच टॉयलेट से फाइट। अभी हम लोग चल रहे समंदर में, शहर से थोड़ा सा दूर। इधर कोई भी स्कीमीरी टॉयलेट अपने पीछा नहीं कर पाएगा। कुछ देर के लिए सही, हम लोग शांति से रह पाएंगे। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ऐसा क्यों लगा है कि मेरे बोट के नीचे से काफी बड़ा चीज गया है? अब इधर कोई सार्क आ चुका है क्या? अभी ये मत बोलना कि कोई सार्क वाला स्कीमीरी टॉयलेट आ चुका है। सार्क नहीं, डार्क स्कीमीरी टॉयलेट आ चुका है इधर। तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम लोग हमसे बचाओगे? हमसे कोई नहीं बच सकता। कम ऑन, एलो तुम लोग। भाई यार, इस स्कीमीरी टॉयलेट तो हर जगह पहुंच जाता है। इस बार कोई डार्क वाला स्कीमीरी टॉयलेट आए, लेकिन पता नहीं है कौन। अरे भाई साहब, ये तो जी मैन ही है, लेकिन इसने खुद को डार्क एनर्जी से अपग्रेड कर लिया है। इसकी ऐसी की तैसी। बट स्पीकर मैन मेरे साइड में पड़ा हुआ है, टीवी मैन इसके पास क्या कर रहा है? और टीवी मैन चल आ जा इधर। टीवी मैन अब मेरे कब्जे में है, लेकिन तू उठ के कैसे खड़ा हो गया? टीवी मैन जाकर इसको फिर से लेटा दे। ये जी मैन पागल हो चुका है। टीवी मैन अपना दोस्त है, वो मुझे कभी नहीं मर सकता। देख लो चल के मेरी तरफ भी आ रहा है। ठीक है बॉस, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। ए ले तू, चुपचाप लेट जा। बॉस मैंने आपकी काम कर दिया है। अरे यार, टीवी मैन तो सच में इसके कंट्रोल में चला गया है, मुझे क्या ही मारा है। चलो ए लोग तो मर चुका है, टीवी मैन तू चल मेरे साथ, तेरे लिए मेरे पास बहुत ही बड़ा प्लान है। इसको लगा टीवी मैन मुझे मार दिया है, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूँ और ये लोग तो सच में उड़ के चला गया है। अबे यार, मुझे कुछ भी करके टीवी मैन को बचाना होगा और इस जी मैन को भी रोकना होगा, लेकिन मेरी हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। चलो मैं स्पीकर मैन से चल के हेल्प लेता हूँ। और स्पीकर मैन उठ जा, अभी तक बेहोश की पड़ा है, चल जल्दी से उठ जा, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अरे मैं तेरी कैसे हेल्प करूँ, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे बस इतना पता है, तू डार्क एनर्जी को कार्स एनर्जी से हरा सकता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मतलब मुझे कार्स एनर्जी से खुद को अपग्रेड करना है। पर उसके लिए मैं करूँगा क्या? अरे भाई साहब, अब ये क्या है, उसने टीवी मैन को भी डार्क एनर्जी से अपग्रेड कर दिया है और टीवी मैन अभी पागलों की तरह सिटी में तबाही मचा जा रहा है। अब तो मुझे जल्दी से खुद को अपग्रेड करना होगा। चलता हूँ मैं सिटी के अंदर, सिटी के अंदर ही कुछ ना कुछ कर सकता हूँ मैं। सिटी के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को कैसे कार्स एनर्जी से अपग्रेड कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ तो होगा जिससे कि मैं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, उधर वो प्रोजेक्टर मैन क्या कर रहा है, चुपचाप खड़ा हुआ है, शायद इसको पता सकता है। चलो मैं इससे जाके पूछ लेता हूँ। ओए प्रोजेक्टर मैन, क्या तुझे पता है कैसे मैं खुद को कार्स एनर्जी से अपग्रेड कर सकता हूँ? कार्स एनर्जी से अपग्रेड करने के लिए तुझे कार्स कैमरा को कलेक्ट करना होगा। मैं तुझे कार्स कैमरा दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुझे मेरे एक काम करना होगा। क्या, तू मुझे कार्स कैमरा दे सकता है? चल ठीक है, मैं तेरे कोई भी काम को करने के लिए तैयार हूँ, बता जल्दी से क्या करना है। तुझे बहुत ही सिंपल काम करना है, मेरे पीछे जितना भी गाड़ी दिखाई दे रहा है तुझे बस सारी गाड़ी को तबाह करना है, फिर मैं तुझे दूंगा कार्स कैमरा। बस इतना ही करना है? चल ठीक है, तू इधर वेट कर, मैं जल्दी से जाकर इन गाड़ी को तबाह करता हूँ। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इतना ऑसम वाली सुपर कार को तबाह करना चाहता है। बट अभी मैं कार की चिंता कर नहीं सकता, मुझे चाहिए कार्स कैमरा। सो फटाफट से चलो एक एक गाड़ी को अपन तबाह करना शुरू करते हैं। पहले मैं इसको उठाता हूँ और इसी को उठा के फेंक के मारता हूँ इसके ऊपर। कमान ए मारा, सब गाड़ी को फेंक तो दिया, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी फूटा नहीं है। अरे इनको फोड़ना भी तो पड़ेगा। चलो आग तो लग चुका है और थोड़ा सा मारने की जरूरत है। ये मारा, ऑल राइट, अभी गाड़िया फूटेगा। अरे अभी तक क्यों नहीं फूटा, अब तो पक्का फूटेगा। कम ऑन, ऑल राइट, तीन गाड़ी को उड़ा दिया है, बस एक बच रहा है, ए भी किया। स्किबिडी स्किबिडी, ए तूने क्या किया है, तूने मेरी सारी गाड़ियों को फोड़ दिया है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहा है, ये सब गाड़ी तेरा था? मुझे तो प्रोजेक्टर मैन ने बताया था। प्रोजेक्टर मैन ये भी गायब हो चुका है, प्रोजेक्टर मैन तो इधर है ही नहीं। अरे सॉरी यार भाई साहब, ये तो मारने लग चुका है, मेरे बात तो सुन, प्रोजेक्टर मैन ने मुझे बताया था। स्किबिडी स्किबिडी, तेरी सॉरी की ऐसी की तैसी, तूने मेरी सारी महंगा गाड़ी को फोड़ दिया है, आज तू मरेगा कैमरा मैन। अरे तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मुझे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और मैं इसके सामने कुछ कर भी नहीं पा रहा। वैसे जी मैन ने मारकर मेरी हालत खराब कर दिया था। गाइस इसको हराने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, फटाफट लाइक करो, नहीं तो आज मुझे मार डालेगा। तेरी ऐसी की तैसी, अब तो मुझे इसको हराना ही पड़ेगा। अबे तेरे गाड़ी को फोड़ा है, अब तुझे भी फोड़ूंगा। एक का मेरे मुक्के की पवा देख रहे हो, एक मुक्के से मैंने इसको फेंक दिया है। चल आजा और एक और बार ले, चल फिर भी उठ के खड़ा हो रहा तू। कमॉन कमॉन, एक और बार ले, इसकी गाड़ी के साथ मैंने इसको चिपका दिया है। फाइनली शायद मर गया, यस मेरे साथ पंगा ले रहा था। चलो मैं अभी चल के देखते हुए प्रोजेक्टर मैन के बच्चे क्या कहाँ पर, मेरे साथ इसने चलाकी किया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ पर गया, कहाँ पर गया ये राये? अबे तू भाग क्यों गया था? अरे अरे तू गुस्सा मत कर, मैं भागा नहीं था, मैं बस इधर छुप गया था,
मुझे उसकी बिड़ी से बदला लेना था। खैर जो भी हो, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। ए ले तेरी कार्स कैमरा। इसके ऊपर मुझे गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसने सच में कार्स कैमरा दे दिया है। चलो फटाफट से अपन इस वाली कैमरा को लेते हैं। अब ये क्या है? इस कार से एनर्जी से मैं तो किसी तरह का जॉम्बी टाइप का बन चुका हूँ। मेरे भागने के तरीके भी काफी अजीब हो चुका है। अब मैं क्या करूँ? अरे ये कार से एनर्जी तो बहुत ही खतरनाक है यार। क्या क्या बना दिया मुझे? सिटी के अंदर मैं घूम तो रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा और कार्स कैमरा कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँ। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, इस बिल्डिंग के आसपास से किसी बच्चे के रोने का साउंड आ रहा है। ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है इस बिल्डिंग के छत पे कुछ हो रहा है। चलो मैं फटाफट चलता हूँ ऊपर, देखते हो क्या रहा है। लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ ऊपर। इधर क्या चल रहा है? ऑल राइट, काफी सारे गुंडों ने एक बच्चे को घेर रखा है गन से। ये कौन है? ये तो स्पीकरमैन की बेटा है। बच्चे जल्दी से बताओ कार्स कैमरा तूने कहाँ छुपाया है, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा देंगे। ओए तुम लोग बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। अरे इधर कोई नमूना आ चुका है बच्चे की मसीहा बनने के लिए। बच्चे को छोड़, सबको बुला इसको मारने के लिए। अरे भाई सब सच में लोग तो मुझे मारने लग गए। लेकिन इधर दो चार बंदे थे, अब इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन इनकी गोली से मुझे फर्क तक नहीं पड़ रहा। तुम लोग की ऐसी थे तू, और तू भी कहा भाई मेरे नाखून के पावा देखो, मैं क्या ही मार रहा हूँ। एक एक झटके में एक एक बंदे को उड़ा रहा हूँ मैं। इनकी पूरी गैंग को मैं तबाह कर दूंगा। कमाने लद्दू, और तू भी कहा मेरे पंजे इनके पेट के अंदर घुस रहा है। क्या एक खतरा वाला नाखून आ चुके मेरे पास, देख रहे हो? तुम लोगों की बहुत हो चुका है। कमान एका, ऑल राइट, कितनों को एक साथ उड़ा दिया पता नहीं। तू इधर छुपके के बच जाएगा, चल भाग इधर से। इसको तो मार के नीचे ही भेज दिया। अब तुम लोगों की बारी है। ए ले, मेरे पंजों के सामने तुम लोग टिकी नहीं सकते। क्या ही मार रहा हूँ इनको मैं। इधर भी दो बच रहा है। कमान तू भी का, अरे उठ के खड़ा हो रहा है, इतनी हिम्मत, तू भी उठ रहा है। कमान ए मारा, एक साथ पांच छक उड़ा दिया है। चल तू भी ले, इधर एक आखिरी वाला छुप रहा था, चल तू भी निकल इधर से। इसकी भी खेल खत्म कर दिया मैंने। अभी चलो अपन उस बच्चे से बात करते हैं। ओए बच्चे उठ जा, मैंने सबको मार दिया है। अब तुम मुझे बताओ कार्स कैमरा है कहाँ पर? अंकल जी उनकी डर से मैंने उस कार्स कैमरा को इस लिफ्ट के अंदर फेंक दिया। क्या तू सच बोल रहा है? इसी लिफ्ट के अंदर तूने फेंका है? चलो मैं देखता हूँ। वैसे मैं नीचे से आया था, देखा नहीं है। ऑल राइट, दिख तो नहीं रहा, लेकिन ओके सच में दिख रहा है थोड़ा सा। चलो मैं चलता हूँ नीचे, लेट्स गो। ए रख कार्स कैमरा, मैं बिल्कुल कैमरे के ऊपर आके गिरा हूँ। फटाफट से अपन इस वाली कैमरा को लेते हैं। अरे यार इस वाली कार्स कैमरा से मैं क्या बन चुका हूँ, सतरंगी कैमरामैन। कितने सारे कलर आ चुके मेरे अंदर, लेकिन क्या मेरी पावर बढ़ाए? यस, अभी तो मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, देख रहे हो? पहले से मेरे भागने का स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। सो मुझे चलकर और भी ज़्यादा कार्स कैमरा को कलेक्ट करना होगा। अपन भाग भाग के सैंडिसर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक और कार्स कैमरा तो मिला नहीं है। ये क्या स्पीकर मैन इधर कैसे आ गया, और इधर एक कर क्या रहा है? ओए तू इधर क्या कर रहा है? मैंने तेरे हेल्प के लिए कार्स कैमरा ढूंढ लिया। वो कैमरा है वोल्केनो के अंदर, लेकिन उसको लेना इतना आसान नहीं है। उधर जी मैन खुद गार्ड दे रहा है। ऐसी बात है क्या? वो वोल्केनो तो इधर से काफी खतरनाक लग रहा है और वो फट भी रहा है, लेकिन वो जी मैन के बच्चे मुझे देख नहीं सकता। मैं छुप छुप के पीछे से चले जाऊंगा और पटाख से वाली कार्स कैमरा ले लूंगा। ऐसे ही जम कर करके मैं पहुंच जाऊंगा, इससे ज्यादा बुरा होगा क्या? अरे यार मुझे सोच के बोलना चाहिए था। वो जी मैन के बच्चे ने मुझे देख लिया है और क्या है ऊपर से पत्थर को फेंक रहा है। चलो ठीक है, फिर भी तो मुझे रोक नहीं सकता, मैं ऐसे ही पहुंचाऊंगा इधर उधर से। चलो मैं थोड़ा सा उधर से घूम के चलता हूँ, इधर से जाऊंगा तो उसको पता नहीं चलेगा। लेट्स गो, कम ऑन। अरे भाई क्या ही पत्थर लगाए, अपन तो बहुत ही जोर से गिरे। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इधर कहाँ से ड्रैगन घूम रहा है इस वोल्केनो के पास? अगर मैंने एक ड्रैगन को पकड़ लिया तो मैं इसको सवारी करके ऊपर जा सकता हूँ। क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ? चलो इधर एक उड़ रहा है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। कमॉन आ जा। ऑल राइट, अपन चढ़ चुके ड्रैगन के ऊपर। अबे जी मैन के बच्चे क्या करेंगे, तू आंखें फाड़ फाड़ के उधर से देख रहा है, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पत्थर मुझे हिट नहीं कर पा रहा। लेकिन ये क्या हो रहा है, कुछ लोग मेरे ऊपर आरपीजी मार रहे हैं। ये लोग कौन है? अरे भाई साहब ये तो छोटे छोटे स्किबिडीज है, तुम्हारी ऐसे की तैसे। ये लो ड्रैगन की आग, इससे मर जाओगे तुम लोग। क्या ही मार रहे हैं अपन इनको, ये ड्रैगन तो बहुत ही खतरनाक है यार। ऊपर भी काफी सारे स्किबिडीज थे, अरे इधर भी कुछ है। चलो इनको मैं एक झटके में चला दूंगा। ड्रैगन क्या आग छोड़ रहा है, क्या जो भी हो इनका तो काम निपटा दिया है। अभी मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ, ये जी मैन के बच्चे पत्थर भी नहीं फेंक सकता। अब तेरी बारी है जी मैन, मुझे रोकेगा तू? ये ले तू, इसको मैं जला दूंगा बिल्कुल। कमॉन, ऑल राइट,
इसकी अपन ने काम निपटा दिया है। डार्क ने जिसे खुद को अपग्रेड किया था, बट ड्रैगन की आग के सामने तो टिक नहीं सकता। लेकिन ये आग के अंदर क्या है, ड्रैगन जा सकता है, देखते अपन। ऑल राइट, आग से भी इस ड्रैगन को कुछ नहीं हो रहा। और नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कार्स कैमरा, मुझे नीचे उतरना होगा। बाय बाय ड्रैगन, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। अरे मैं कहां जा रहा हूँ, चलो कोई नहीं, मैं आ चुका हूँ वोल्केनो के अंदर। एक तो लावा के अंदर सही से दिखता नहीं है, कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है, कम ऑन। ओके ये रहा, अपन बिल्कुल पहुंच चुके हैं। चलो अभी इस वाली कैमरे को भी अपन लेते हैं। ये वाली कार्स कैमरा से मेरे सिर में तीन तीन कैमरा आ चुका है और मैं भी बन चुका लावा का। चलो अपन इधर से निकलते हैं। कैसे निकल सकते अपन? अरे भाई साहब, अभी तो मैं खुद आग छोड़ सकता हूँ। आग को छोड़कर अपने से निकल चुके हैं। मेरे पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन साइज अभी तक नहीं बढ़ा है। अगर मुझे मेरे साइज को बड़ा करना है तो मुझे चाहिए बहुत सारे कार्स कैमरा। ऐसे एक दो कार्स कैमरा से काम नहीं बनने वाला। चलो देखते हैं मुझे कहाँ पर मिलता है। इस टाइम पे किसी का कॉल आ रहा है। इस टाइम पे किसने कॉल किया है? ओके तो क्लॉक मैन है, अब इसको क्या चाहिए? कैमरा मैन, मुझे अभी अभी पता चला है एक्सक्यूबिटी साइंटिस्ट ने काफी सारे कार्स कैमरा को पावर प्लांट के अंदर इकट्ठा किया है। वो सब कैमरा से कुछ करने वाला है, इसलिए तू अगर उधर जाता है तुझे बहुत सारे कार्स कैमरा मिल सकता है। अरे भाई साहब, तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। चल तू कॉल रख, मैं चल के देखता हूँ उस साइंटिस्ट के ऐसी की तैसी सारे के सारे कार्स कैमरा को उसने कलेक्ट कैसे किया पता नहीं। चलो देखते हैं कहाँ पर है वो। अरे इधर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना तो मुझे दिख रहा है कोई कार्स कैमरा और ना ही कोई साइंटिस्ट। ओके उधर कोई है। सच में इसने कितने सारे कार्स कैमरा को कलेक्ट किया है। अबे इसके ऐसी की तैसी, इसको पता नहीं है कि मैं ऊपर से आ चुका हूँ। इसको अपन ऊपर से उड़ा देंगे। ये बनाया फायरबॉल, ए ले तू। ऑल राइट, इसको मैंने उधर ही चला के खाक कर दिया है। अभी अपन आ चुके इधर। इतने सारे कार्स कैमरे से मेरे साइज बड़ा होना ही चाहिए। अभी अपन सारे के सारे कार्स कैमरे को ले लेते हैं। फाइनली इतने सारे कार्स कैमरे से अपनी साइज बहुत ही बड़ा हो चुका है और अपन बन चुके टाइटन कार्स कैमरा मैन। देख रहे हो, अब तो मैं टीवी मैन को इजीली हरा सकता हूँ। मतलब उसको मारना नहीं है, अपनी दोस्ती है, उसको बस बेहोश करना है ताकि नॉर्मल बन जाए। चलो मैं चलता हूँ सिटी के अंदर, देखते टीवी मैन कर क्या रहा है। टीवी मैन कहाँ पर छुपा हुआ है तू? वैसे उसकी साइज बहुत ही बड़ा है, दूर से दिख जाएगा, लेकिन अभी तक दिख तो नहीं रहा। कहाँ पर है वो? अरे यार पागल होकर के शहर से बाहर चला गया, पता नहीं, देखते हैं कहाँ पर। अरे मेरे पीछे से किसी चीज का साउंड आ रहा है, तो मेरे पीछे आ चुका है भाई साहब, आकर ही मुझे मार दिया। अबे रुक जा, मुझे तेरे को मारना है, यही मुझे मार जा रहा है। मेरे हाथ में इतना बड़ा हैमर है, फिर भी तू मुझे मार जा रहा है। कम ऑन भाई, भाई भाई क्या ही मार जा रहा है। और एक सेकंड रुक जाओ, मेरे साइज इससे थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मेरी बार के इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अपने शायद फाइनली इसको हरा दिया है। यस फाइनली टीवी मैन बेहोश हो चुका है, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल भी हो जाएगा। खैर गाइस, अपने आज कैमरामैन की कार स्टैटेंट फॉर्म को अनलॉक किया है। सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन और भी ऑसम वाली चीजें आपके वीडियोस लाएंगे। एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताओ हम लोग और किसकी कास्ट फॉर्म को अनलॉक करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।